नेपाल का तंत्र ड्रैगन का मंत्र। केपी शर्मा ओली क्या खेल रहे हैं दो तरफा खेल? भारत की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाने के पीछे क्या है नेपाल की मंशा? नमस्कार, मैं रुचि पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे खास कार्यक्रम दुनिया दरबार में। नेपाल में जारी सियासी संग्राम और राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दो तरफा खेल खेलते नजर आ रही हैं। केपी शर्मा ओली दरअसल अपने विदेश मंत्री को भारत भेज रही हैं। अब भारत भेजने के पीछे उनकी क्या है मंशा, बताएंगे हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर सुर्खियों पर। पहली सुर्खी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को कहा कि जम्मू कश्मीर का स्वायत्त दर्जा आर्टिकल 370 बहाल होने तक भारत से कोई भी बातचीत संभव नहीं है। इस्लामाबाद में डिजिटल मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के दौरान भारत के साथ वार्ता की संभावनाओं को लेकर पूछे गए एक सवाल पर खान ने यह भी प्रतिक्रिया दी है। दूसरी सुर्खी, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने देश की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के शक्तिशाली पुलिस ब्यूरो में अपनी बेहद प्रभावशाली बहन किम यो जोंग को जगह नहीं दी है। किम के इस कदम से किम योंग जोंग को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया तानाशाह ने अपनी बहन के बढ़ते प्रभाव के बीच मिश्रित संकेत दिया है। तीसरी सुर्खी, पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी के नया ड्रेस कोड जारी पर विवाद शुरू हो गया है। मानचेरा में स्थित हजारा यूनिवर्सिटी ने कहा है कि पढ़ने आ रही लड़कियां टाइट जीन्स और टी शर्ट ना पहने। यही नहीं, लड़कियों के मेकअप करने, ज्वेलरी पहनने और बड़े बड़े हैंड बैग लाने पर भी बैन लगा दिया गया है। अब बारी आज की मुख्य खबर की। नेपाल में जारी सियासी तनातनी की कहानी तो हमने आपको बताई थी, साथ ही भारत नेपाल सीमा विवाद को लेकर चल रहे तनाव से भी आपको हमने अवगत करवाया था। लेकिन अब एक बार फिर केपी शर्मा ओली दो तरफा खेल खेलते नजर आ रहे हैं। दरअसल केपी शर्मा ओली जो एक तरफ अपने देश में राजनीतिक सामंजस्य नहीं बिठा पा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वे नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली को भी भारत भेज रही हैं। ओली ने कहा कि ग्यावली 14 जनवरी को भारत पहुंचेंगे। इस यात्रा के दौरान वे भारत के साथ नक्शा विवाद पर बात करने वाले हैं। पर सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि जहाँ एक तरफ नेपाल में ओली अपने देश में और राजनीति में शांति स्थापित करने में नाकामयाब हो रही हैं, तो ऐसे में भारत में अपने विदेश मंत्री को भेजने के पीछे आखिर वह क्या चाह रही हैं? पूरी दुनिया ने देखा है कि किस प्रकार नेपाल के आंतरिक मामलों में चीन ने हस्तक्षेप किया है। अभी हाल ही में नेपाली संसद में जब ओली के प्रति सांसदों में अविश्वास पैदा हो गया था, तब भी चीन ने अपने विदेश मंत्री को भेज मामले को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया था। ओली पर हमेशा से ही चीन के जरूरत से ज्यादा नजदीक रहने का आरोप लगता रहा है। सवाल यहाँ ये भी है कि कहीं ओली चीन के बहकावे में आकर दो तरफा राजनीति तो नहीं कर रहे? ओली ने हमेशा से जनसमर्थन जुटाने और जनता को लुभाने के लिए कहा कि वे भारत से मीटिंग कर कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख क्षेत्र का कब्जा अपने हाथों में लेने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। ओली ने तो यहाँ तक कहा कि सुगौली समझौते के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व पर स्थित ये तीनों क्षेत्र नेपाल के ही हैं। वे भारत के साथ बातचीत कर इन सभी क्षेत्रों को अपना बना लेंगे और इसकी वे पूरी कोशिश भी कर रही हैं। चीन के साथ नेपाल के संबंध कैसे हैं? इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जिस वन बेल्ट वन रोड परियोजना का भारत ने विरोध किया है उसका नेपाल ने साथ दिया है, जबकि नेपाल की बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था पर ही निर्भर है। इतना ही नहीं, जब ओली ने चीन का दौरा किया तब उन्होंने ट्रांजिट ट्रेड समझौते पर भी सहमति जताई थी और उस पर हस्ताक्षर भी किए थे। चीन लगातार नेपाल को लालच देकर भारत के खिलाफ भड़काता ही रहा है, पर नेपाल को चीन के साथ दोस्ती को बढ़ाने से पहले एक बार श्रीलंका का उदाहरण जरूर देखना चाहिए। और केवल श्रीलंका ही क्यों, चीन ने दुनिया के बहुत से देशों को लूटा है। श्रीलंका, मालदीव और म्यांमार इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार चीन की सरकार और उसकी कंपनियों ने 150 से ज्यादा देशों को $1.5 trillion यानी 112,50,000 crore रुपए का लोन दिया है। ड्रैगन अपने शिकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का लालच देता है और उन्हें कर्ज के जाल में फंसा देता है। जब वे इस कर्ज को चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं तो वे उनके संसाधनों पर भी
कब्जा करना शुरू कर देता है। एक्सपर्ट इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का नाम देते हैं। पिछले दिनों लाओस को अपना पावर ग्रिड चीन की सरकारी कंपनी को सौंपना पड़ गया था। इसके अलावा मालदीव पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। नेपाल को चीन के साथ बढ़ते अपने संबंधों को लेकर एक बार इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए। चलाक चीन के हाथों की कठपुतली नेपाल को नहीं बनना चाहिए। अब भारत के साथ एक बार फिर सीमा विवाद पर बातचीत करने के लिए नेपाल को उकसाने में चीन का ही हाथ माना जा रहा है। अब यहाँ ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नेपाल अपना अगला कदम क्या उठाएगा और कब तक यूं ही चीन के हाथों की कठपुतली बना रहेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। फिर जुड़ूंगी आपके साथ दुनिया की ताजा तरीन तमाम खबरों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।